तो मारुति सुजुकी डिजायर 2024, इस गाड़ी के आपने वॉक अराउंड वीडियोज रिसेंटली देखे होंगे, जिसमें से आपको सारे इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा। लेकिन फिर भी अभी तक जो प्राइसिंग और फीचर्स है ना, उसके बारे में किसी ने रिवील नहीं किया है, और इन सारी चीज़ों को नवंबर 12th को रिवील किया जाएगा ऑफिशियली। लेकिन अनऑफिशियली कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमें पता लग चुकी है, लाइक इस गाड़ी के सारे फीचर्स, इसके प्राइसिंग कितनी हो सकती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता सकता हूँ। लेकिन उन सारी चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी फैक्ट वाली चीज़ बताना चाहता हूँ डिज़ायर के रिगार्डिंग। अभी हुआ क्या था कि मैं कल ना अपने ऑफिस जा रहा था, और तभी ना मैंने एक गाड़ी देखी, वो थी फोक्सवैगन की एमियो। अगर आपको याद नहीं, फोक्सवैगन की एमियो पोलो का एक एक्सटेंडेड सेडान वर्जन था, जो कि एक टाइम पर डिज़ायर के साथ ही कॉम्पीट कर रही थी। और जब मैंने इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सिमिलर लगी एज ऑफ द डिज़ायर 2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेल गेट का जो ओवरऑल आकार वगैरह है ना, वो आपको काइंड ऑफ सेम ही देखने को मिलेगा। इवन अगर आप टेल लैम्प्स के साइड में इन शार्प एजेस को देखते हो तो ये भी आपको एमियो जैसे ही मिलेंगे। इवन अगर आप इन टेल लैम्प्स के अंदर वाले एलिमेंट्स को देखते हो तो ये काफ़ी हद तक आपकी जो फोक्सवैगन वर्टस है ना, उससे सिमिलर लगेगी। सेम आपको स्मोक ट्रीटमेंट मिलेगा, और सिमिलर स्टाइलिंग में आपको इसमें इन्वर्टेड वाई शेप के अंदर ये टेल लैम्प्स मिलते हैं। तो डिज़ाइन इंस्पिरेशन डेफिनेटली मारुति सुजुकी ने इस बार फोक्सवैगन से लिया है, और इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड जो रिजल्ट बाहर निकल कर आया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। साइड प्रोफाइल भी आपने देखा होगा वॉक अराउंड के अंदर, यहाँ से क्या है कि जो दरवाजे हैं ना, वो आपको करंट वाले डिज़ायर जैसे ही मिलेंगे, सेम आपको कर्व फिनिश मिलती है। लेकिन इसके पिछला जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा बहुत एमियो से काफ़ी मिलता जुलता है, और सामने वाला जो बोनेट एरिया है ना, वो थोड़ा बहुत आपको वर्टस जैसा मिलेगा। साथ में देखो ग्लास एरिया आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, ग्लास एरिया के नीचे आपको क्रोम की बीडिंग मिलती है, नीचे आपको नए सेट वाले 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। और अगर आप इन व्हील्स को पीछे के साइड से देखते हो ना, तो ये काफ़ी पतले नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 175 सेक्शन वाले जो व्हील्स है ना, वही दिए जाएंगे इसके अंदर, विच इज़ काइंड ऑफ अ बैड थिंग। अगर इसमें थोड़े से मोटे व्हील्स दिए जाते देन ये ज़्यादा बढ़िया लग सकती थी। साथ में इस गाड़ी के अंदर आपको लगभग 165 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। एनीवेज अगर आप सामने के प्रोफाइल को देखते हो तो यहाँ पर जो हेडलैम्प्स है ना, वो भी फोक्सवैगन वर्टस से थोड़े बहुत मुझे सिमिलर लगते हैं, हालांकि सेम नहीं है, थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूँ 10% डिज़ाइन इंस्पिरेशन लिया है सुजुकी ने। प्रोजेक्टर सेटअप वाले आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, और साथ में स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको ये LED DRL मिलते हैं, और साथ में DRLs और हेडलैम्प्स को कनेक्ट करने के लिए आपको ग्लॉसी ब्लैक एंड क्रोम का एक स्ट्रिप मिल जाता है सेंटर के अंदर, विच जस्ट लुक्स अमेजिंग। साथ में ग्रिल वाला एरिया आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा, तो ये थोड़ा बहुत मुझे टोयोटा वाला डिज़ाइन लैंग्वेज लग रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके रिगार्डिंग, ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी देखो बम्पर्स में आपको बढ़िया सा जो LED फॉग लैम्प्स है ना, वो भी दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे हिसाब किताब है इस गाड़ी के पूरे एक्सटीरियर का, जो कि ऑब्वियसली आपने पूरा देखा होगा। बाकी देखो इंटीरियर भी आपने इस गाड़ी का देखा होगा, और इंटीरियर वाइज इट इज़ बेसिकली अ ग्लांजा इंटीरियर। सेम आपको बीज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा, सेम आपको ग्लांजा वाला ही डैशबोर्ड मिल जाता है अलॉन्ग विद द सिमिलर सेट वाले AC वेंट्स। लेकिन देखो ये एक सेडान है, और सेडान में थोड़ा सा प्रीमियम अंदाज देने के लिए इसमें आपको वुडन ट्रीटमेंट जो है ना, वो सेंटर में दिया जाएगा। बट याद रखना, ये केवल आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलेगा, लोअर वेरिएंट में आपको नॉर्मल ये वाली जो डिज़ाइन है ना, ये कुछ मिलेगी। बट कुछ भी कहो, इंटीरियर देखने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बाकी सीटों में और रूफ़ में आपको कंप्लीट बीच फिनिश मिलेगा, और कंफर्ट लेवल्स, स्पेस वेस वगैरह सब कुछ आपको करंट वाली जो डिज़ाइन है ना, वैसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। अभी यहाँ तक आप सबको पता है कि क्या सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि वॉक अराउंड वीडियो में बस इतना ही दिखाया गया था। इसके बाद फीचर्स पर अगर हम फोकस करें तो इस गाड़ी के अंदर देखो, सबसे पहले आपको 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा मिलेगा, जो कि आपके स्विफ्ट के अंदर मिसिंग था, सो दिस इज़ अ नाइस फीचर। साथ में आपको सिंगल पेन वाला जो सनरूफ है ना, वो भी इस गाड़ी के टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट के अंदर ऑफर किया जाएगा। ये कोई बहुत ही अल्ट्रा यूजफुल फीचर नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को शौक है सनरूफ का, तो वो लोग इस फीचर का आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद आपको 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, तो इसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलेगी, और साथ में वॉइस कमांड्स भी आता है, और इवन आपको कनेक्टेड कार वाले काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलेंगे।
इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको इसमें एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलेगा ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि फुल डिजिटल से थोड़ा बहुत क्लासी लगता है और एट द सेम टाइम आपको इनफ जो डिटेल्स है ना वो भी ये डिस्प्ले कराएगी। इसके अलावा कुछ एसेंशियल फीचर्स लाइक क्लाइमेट कंट्रोल वाली एसी अलोंग विद द रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जर, कीलेस वाली एंट्री अलोंग विद द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs, डीफॉगर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और ऐसे ही बहुत सारे जो कॉमन नेसेसरी फीचर्स हैं ना वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे। और देखो बस कन्वीनियंट वाले फीचर्स अपग्रेड नहीं होंगे, इवन जो सेफ्टी फीचर्स हैं ना उनमें भी अपग्रेड होगा। तो स्टैंडर्ड ही सभी वेरियंट्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, हिल असिस्ट, ऐसे बहुत सारी जो सेफ्टी फीचर्स हैं ना वो आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेंगे, मेकिंग इट मोर सेफर। और साथ में इसके जो ओवरऑल शासी होगी और जो एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी होगी उसमें भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्रैश टेस्ट के अंदर ये 4 स्टार की जो रेटिंग है ना वो भी ला सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं पावर ट्रेन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का Z सीरीज वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि आपने रिसेंटली स्विफ्ट के अंदर देखा था। ये होगा 3 सिलेंडर वाला यूनिट जिसके अंदर आपको 81 BHP की पावर और 112 NM का टॉर्क मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंजन पावर एंड टॉर्क फिगर्स के हिसाब से और ओवरऑल रिफाइनमेंट के हिसाब से ये डिग्रेडेड वर्जन है अगर आप करंट डिजायर से कंपेयर करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो फील होता है, बट एट द सेम टाइम आपको फ्यूल एफिशिएंसी इस बार काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो स्विफ्ट जैसे ही इसके अंदर भी आपको 25 KMPL की जो एवरेज है ना वो मिलेगी, विच इज़ गोइंग टू बी प्रिटी गुड इन मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशंस। और आगे जाकर इसके अंदर आपको जो CNG वाला ऑप्शन है ना वो भी मिल सकता है। तो अगर वो ऑप्शन आ जाता है ना तो आपको लगभग 37 किलोमीटर पर किलोग्राम की जो एवरेज है ना वो मिलेगी, विच इज़ गोइंग टू बी प्रिटी गुड। और ये जो 3 सिलेंडर वाला इंजन है ना ये हाइब्रिड कंप्लायंट है। तो हाइब्रिड के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में इस फ्रॉन्क्स वाले वीडियो के अंदर बताया था, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। और बाकी देखो गियर बॉक्स के अंदर आपको 2 ही ऑप्शंस मिलेंगे, 5 स्पीड का आपको मैनुअल और 5 स्पीड का आपको AMT का ट्रांसमिशन मिलेगा, विच इज़ गुड इनफ। बाकी देखो प्राइसिंग के बारे में फाइनली बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इतने सारे फीचर्स आते हैं तो ये प्राइस डेफिनेटली जस्टिफाई करती है, और मैं चाहूँगा कि मारुति सुजुकी इसी प्राइस रेंज के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च कर दे। और बाकी दोस्तों लॉन्च के बारे में बात करो तो ये कंफर्म हो चुका है कि नवंबर 11th को ये जो गाड़ी है ना ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आपको इसके और भी लीक्स देखने हैं और डिज़ायर के बारे में और भी चीज़ें जाननी है देन डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।